इसी तरह से एक शानदार गोल यहाँ पर बहादुर पार्क प्रदेश की टीम की ओर से टीजेएफसी की तरफ से। ये पहला गोल मध्यंतर के बाद का। लगभग पिछले एक घंटे से अनुरोध कर रहा हूं कि जहां पर झंडे मुंडी का खेल हो रहा है वहां पर लाइट की व्यवस्था काफी कम है, तो मैं दोबारा उनसे अनुरोध है कि कृपया करके लाइट की व्यवस्था कम से कम उस इलाके में कर दे ताकि दोनों ही टीमें देखा होगा जो आज गोलार्ध की प्रांगण में की कड़ी टक्कर देखने को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखने को मिले। इसके अतिरिक्त बाजा ऑपरेटर जो भी बाजा ऑपरेटर है उनसे मेरी निवेदन है कि कृपया करके कोई नुकसान होते है इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। थैंक यू। ऑफसाइड का इशारा यहां पर रेफरी के द्वारा। दोनों ही टीमों के द्वारा शानदार प्रदर्शन। अभी तक का स्कोर 0-0।
धर्मजीत जहां कहीं पर भी हो अपने स्थान पर वापस लौटने की कृपा करेंगे। हेलो कौन कौन जा रहा है कब कौन कौन दे दिया। हाँ तो कल नहीं रहेगा तुम लोग तो चल जाएगा मुझसे। कल ना आएगा तो कल आएगा ना कल आना। कहाँ पहुँचा दी कहाँ मैदान के पहुँचा अभी हेलो और इस मैच को जो संचालित कर रहे हैं इस मैच को जो रेफरी के रूप में संचालित कर रहे हैं मशहूर रेफरी विक्रम उराव जी काफी अनुभवी काफी मैचों का उन्हें अनुभव और सीनियर रेफरी भारी तादाद में मैच का लुत्फ उठाते हुए जैसे कि हमारे काउंटर के जो मैनेजर से मुझे याद हुई है लगभग 5,000 की उपस्थिति 5 दिवसीय मैच का अंतिम मुकाबला हो रहा है जो आज तक का काफी अधिक से अधिक उपस्थिति दर्ज हुई है जो इससे पहले मैंने कभी देखा नहीं। बहुत ही सुंदर प्रयास पान ब्रदर्स की तरफ से हाथी
रोमांचक ये मैच एफसी डीजे बनाम महादेव पांडुलिस के बीच में। दोनों ही टीम बार बार लगातार मौका बना रही है फाइनल पे जाने के लिए। दोनों ही टीम में कुछ स्तर के खिलाड़ी भरे हुए हैं। यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, यदि आप कहीं पर चूक गए हो तो इसका आप यूट्यूब पे भी दोबारा आप रिप्ले दे सकते हैं। बहुत ही सुंदर मौका, रेफरी महोदय हमारे लाइन इसी तरह से एक शानदार गोल यहां पर महादेव पान प्रदेश की टीम की ओर से। टीजेएफसी की तरफ से ये पहला गोल मध्यंतर के बाद का पूरा फायदा उठाते हुए 1-0 की बढ़त ले चुकी है। ये तो सिर्फ पर सिर्फ अनंत है, अंत तक अब इसका ऐसे ही आप देख सकते हैं। शुरुआत से लेकर अंत तक काफी रोमांचक भरा होंगे। फिट बोला तुम लोग सुंदर प्रयास कीजिए ऐसे की तरह से, लेकिन सेमीफाइनल मुकाबले के लिए दूसरा मैच समाप्त हो चुका है।
इसके बाद सिर्फ और सिर्फ वायरल करेंगे एक मैच रेफरी वाला भैया प्यास में मुराद दीजिएगा आप। अरे पानी है नहीं दे रहे थे, बियर देंगे बोला एक बार मैच के बाद। मधुबर के बाद का ये हेलो सड़क पे जितने भी गाड़ियां लगी हुई है सड़क पे सड़क के किनारे गाड़ी ना लगाए आते जाते हुए गाड़ियों को बहुत ही शानदार गोल एफसी डीजी का यह दूसरा गोल जो काफी बहुत ही गाड़ियों के मालिक से मुझे मैं पुनः आपसे आग्रह है कृपया करके अपनी गाड़ियों को सिर्फ और सिर्फ गैरेज के अंदर में खड़ी करेंगे। गैरेज के बाहर खड़ी हो तो कृपया करके अपनी बहनों को गैरेज के अंदर खड़ी करेंगे। अंदर खड़ी करेंगे अन्यथा यदि आपकी भावनों के कोई नुकसान होते इसका सिर पर जिम्मेदार आप होंगे। आपको पूछ रहे आपने रोका यहाँ से एक ही मैनेजर कर जो आदमी लाया है ना एक ही आदमी लाया है ठीक ना दोनों तरफ बांट दिया पहले लेकिन हमें जा रही है देखा थी होने से कच्चा लग गया हमको आप टाइम से पहले पैसा चाहिए कहाँ से किसी ने आके बैठ गया। हेलो फिर
अभिनंदन करता हूं जो हमारे प्रतियोगिता में आकर अपने अपने टीमों को उतार कर मेरा के अंतिम दिनों तक आकर मेला को सफल बनाने में अपना अहम योगदान दिया। इसके लिए मैं सभी टीम मैनेजरों को तहे दिल से पूरे ग्रामवासियों की तरफ से अभिवादन करना चाहूंगा। इसके तुरंत बाद फाइनल मैच होना है। फाइनल तो दूर फाइनल पर उतर चुकी है और फाइनल के तुरंत बाद रंगारंग बूगी बूगी डांस और उसके बाद ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम जिसमें झारखंड के और यहां पर एक शानदार गोल यहां पर महादेवपाल ब्रदर्स की ओर से देखते ही देखते एक गोल शानदार नहीं छोड़ेंगे दोनों टीमों के खिलाड़ी। मार रहे लगा के गर्ल से अब वो अरे वीडियो का नाम डिफेंस ऑफ पूरा खत्म सुंदर बचाओ अपने दस्तान में कलेक्शन कर तो यह गोल कीपर डी जी एफ सी की तरफ से रे कुकू बड़ो मैदान से अगर नचि अबे उमन के लाइन है उमन के कते क्या चल रहा है 30,000 ललित पूरा एफर्ट देते भैया एखन भी तीन गोल खा ले भरोसा नहीं होगा कह दो ब्लैक टाइगर के प्लेयर है मर लाइट ऑपरेटर से मैं लगभग पिछले एक घंटे से अनुरोध कर रहा हूं कि जहां पर झंडे मुंडी का खेल हो रहा है वहां पर लाइट की व्यवस्था काफी कम है तो मैं दोबारा उनसे अनुरोध है कि कृपया करके लाइट की व्यवस्था कम से कम उस इलाके में कर दे ताकि जभी अकाल कल कर घूरिए जाता है तो आप लोग अनुरोध कर रहा हूँ कि झंडी मुंडी इलाके में लाइट की कमी है
जितना जल्दी हो सके उस इलाके में लाइट की व्यवस्था को दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। फोटो खिंचा ली एस टी।